हमारे घर के सामने रोज का है कि कोई ना कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, हम हॉर्न बजाते हैं, हमेशा गाड़ी अलग कर लेता है कोई भी आकर के। दुकान वाले भी सब मदद करते हैं जिनकी भी दुकानें आजू बाजू। आज मैं हॉर्न बजा रही थी, पिछले 5 मिनट तक बजाती रही, गाड़ी की लाइट जल रही थी पर मुझे लगा गाड़ी छोड़ के कोई चला गया है। तो मैंने दुकान वालों से पूछा, दुकान वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। मैम वेट करती रही कि कोई आएगा गाड़ी अलग करेगा। थोड़ी देर बाद उसमें से आदमी निकलते हैं, बुड्ढे से आदमी हैं। तो मैंने कहा, मैंने कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं बैठी थी, वो अपनी गाड़ी के दरवाजे पे थे। तो मैंने उनको इशारा किया मेरा घर है, जैसे मैं सबको करती हूँ कि भाई हॉर्न बजाए, मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है। मुझे लगा अब वो गाड़ी अलग करेंगे, पर वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी अलग नहीं करी। मुझे लगा गाड़ी के सामने कोई कुछ और है, कोई बाइक खड़ी, इसलिए वो अलग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि मैं जाके अलग कर देती हूँ। गाड़ी का जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं आगे बढ़ी, देखा तुरंत उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा लिया। मतलब जैसे कि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं उतरूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी अंदर करी, मैंने बोला अंकल आपको सुनाई ही नहीं दे रहा था कि मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ अपने घर के बाहर, ऐसे इशारा किया, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो मैंने कहा जैसे मैंने बोला आपको अभी तो सुनाई दे गया। तो मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी अगर पंक्चर करूँगी तो आपको सुनाई देगा, तो करके दिखा पंक्चर तुरंत, ये जवाब था उनका। मैंने कहा ठीक है, घर के बाजू में पंक्चर की दुकान थी, मैंने बोला अंकल पंक्चर करते हैं, चलिए इनकी गाड़ी। तू कौन है बे, सुन सुन, तू कौन है, समझती क्या अपने आप को? नहीं अंकल मैं इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ, आप गाड़ी अलग कर लेते तो मैं थोड़ी जल्दी चली जाती घर पे, तो समझती क्या अपने आप को? मैं गई आगे बढ़ी, उन्हें मुझे खींचा, ये सब रिकॉर्ड हुआ होगा एटीएम में, यूनियन बैंक के एटीएम के बाहर जो कैमरा लगा है उस पे। उन्हें थप्पड़ जड़ा मुझे यहाँ पे, उसके बाद उनका हाथ रुका नहीं, वो मारते जा रहे हैं, लोगों को आना पड़ा रोकने के लिए, उन्हें सबने रोका। मुझे बोला कि आपके पापा के पिता के दोस्त हैं, ऐसा मत करो, बात मत करो इनसे, कोई थप्पड़ मारेगा आपसे तो आपसे प्यार से प्यार के शब्द तो नहीं निकलेंगे आपके मुँह से। तो उनने बहुत ही बदतमीजी करी, तो समझती क्या तू हो कि कौन, कहीं की ये वो। मैंने कहा मेरा घर है, मेरी गाड़ी आप अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, आप खड़े हो गए उसके बाद भी आप निकल बोलते जा रहे, मतलब उनका हाथ रोक नहीं रहा था, हाथ मोड़ रहे, पीठ पे मार रहे, तो समझती क्या, तो समझती क्या। फिर मेरा हो गया दिमाग खराब, मैंने पानी की बॉटल खोली, उन पर पानी फेंका जो मैं कर सकती थी। उसके बाद मेरे पापा आ गए, उनसे ऐसे बात करें जैसे कि कौन है, राममूर्ति मिश्रा हैं, कुछ पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये मुझे नहीं पता किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कहाँ की घटना है ये? मेरे घर के बाहर की घटना है। आपका नाम? मेरा नाम ख्याति चौहान है।